इस दुनिया में और भारत देश में दो ही विचारधाराएं हैं, एक शासकों की विचारधारा है, एक शोषितों की विचारधारा है। और जो आज ये सरकार है ये पूंजीपति और शासकों की विचारधारा को आगे कर रही है। 300% अडानी की इनकम कैसे बढ़ गई लॉकडाउन में, आप बताएं। तो आज किसान जाग चुका है, नौजवान जान चुका है, व्यापारी जान चुका है, इनके ये हथकंडे ज़्यादा चलेंगे नहीं। और इस देश का बहुजन जो 125 करोड़ में 115 करोड़ है वो जाग चुका है। तो या तो इनको ये वापस लेना होगा वरना ये परिवर्तन। देखिए, अर्णव गोस्वामी वो व्यक्ति है, पिछले 1-2 साल 3 साल में एक चैनल लेके आया और उसकी TRP विवादित मुद्दों को उठा के इसने अपनी TRP बढ़ाई। इस व्यक्ति की अब इस चैट के बाद कुछ कहने सुनने को नहीं रह जाता। इस चैट में वो पुलवामा की बात करता है, इस चैट में वो हमारे शहीद नौजवानों पे अपनी TRP बढ़ाने की बात करता है, इस चैट में वो कहता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला, पाकिस्तान में बड़ा होने वाला। तो आप इस गठजोड़ को समझ जाइए कि ये लोग कौन हैं, किस चीज़ का ये लोग लाभ उठा रहे हैं, किसके लिए ये लोग बातें करते हैं। तो ये देश के सामने बहुत बड़ा एक्सपोजर है और ये चैट अभी और आगे आएगी। और जो लोगों को शंकाएं थी, शक हो रहे थे, आज वो शक और शंकाएं सही साबित हो रही हैं। तो देखिए, आया हुआ है, शिकंजे में आने के लिए अब सबूत की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि केंद्र में सरकार इनकी है, इनके लोग ED CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस सरकार के कार्यकाल को ये निकाल जाए। लेकिन भारत में एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। इन लोगों को देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे और हो सकता है इन लोगों को फांसी हो। पहले इन लोगों ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो इस देश के इतिहास में ये अंग्रेजों के बाद दूसरी क्रांति होगी। भैया बताएंगे, आप जो किसान आंदोलन पहुंचे, आज काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है किसान, और जैसे जैसे 26 जनवरी का वक्त आ रहा है किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो किसानों ने कहा था कि मार्च करेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो थोड़ी संख्या में पंजाब के बॉर्डर से, हमारे सिंधु बॉर्डर पे पंजाब के हरियाणा के किसान आए थे, लेकिन सरकार की जिद ने, उसकी लापरवाही ने इस किसान को आज इस आंदोलन को इसी स्टेज पे पहुंचा दिया कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन अब नहीं रह गया। मैं एक नौजवान हूँ, व्यापारी हूँ, आप अभी यहाँ हजारों लोग हैं, अगर आप लोगों से पूछेंगे तो अलग अलग व्यवसाय से, पेशे से लोग, अब मजदूर, नौजवान, व्यापारी, सभी लोग इसमें धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। मैं यहाँ 15 दिन पहले सन्नी के साथ आया था तो मैंने ये बात कही थी कि ये आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन में बदल जाएगा। उसका कारण ये है कि सरकार की जो 7 साल की विफलताएँ हैं, आप देखिए कि नोटबंदी हो, GST हो, तमाम दूसरी चीज़ें हों, NRC हो, सब पे जो बातें इन्होंने कही उनमें से कोई बातें पूरी नहीं हुई। आज भारत की GDP बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच गई, आर्थिक आधार पर हालत है। कोरोना में जो यूरोपियन पैटर्न थे वो लॉकडाउन कर दिया गया। तो कुल मिला के जनता का जो अविश्वास है वो सिर्फ किसानों में नहीं है, आज पूरे देश के अधिकतर लोगों में। आज आप चुनाव करा लीजिए तो आपको पता लग जाएगा इनकी हैसियत क्या है। तो मेरा ये मानना है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और इसमें धीरे धीरे जितना इसको सरकार डिले करेगी इसमें जन भागीदारी बढ़ती जाएगी। और अगर 26 जनवरी से पहले पहले इन लोगों ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो इस देश के इतिहास में ये अंग्रेजों के बाद दूसरी क्रांति होगी। अच्छा, अब गोदी मीडिया की भी पोल खुलती जा रही है, अर्णव गोस्वामी की एक चैट लीक हुई है, उसके बाद बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। देखिए, अर्णव गोस्वामी वो व्यक्ति है, पिछले 1-2 साल 3 साल में एक चैनल लेके आया और उसकी TRP विवादित मुद्दों को उठा के इसने अपनी TRP बढ़ाई। इस व्यक्ति की अब इस चैट के बाद कुछ कहने सुनने को नहीं रह जाता। इस चैट में वो पुलवामा की बात करता है, इस चैट में वो हमारे शहीद नौजवानों पे अपनी TRP बढ़ाने की बात करता है, इस चैट में वो कहता है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला, पाकिस्तान में बड़ा होने वाला। तो आप इस गठजोड़ को समझ जाइए कि ये लोग कौन हैं, किस चीज़ का ये लोग लाभ उठा रहे हैं, किसके लिए ये लोग बातें करते हैं। तो ये देश के सामने बहुत बड़ा एक्सपोजर है और ये चैट अभी और आगे आएगी। और जो लोगों को शंकाएं थी, शक हो रहे थे, आज वो शक और शंकाएं सही साबित हो रही हैं इस चैट के माध्यम से। इस किसान आंदोलन पर भी जो इस आंदोलन के विरोध में जो आवाज उठाने वाला चैनल था वो भी अर्णव गोस्वामी का, और अर्णव गोस्वामी ने किसानों को यहाँ तक कि खालिस्तानी और जो आतंकवादी से भी जोड़ने की कोशिश की थी। देखिए, मैं आप लोगों का जो मीडिया है, ये सोशल मीडिया वाला, इसको मैं बहुजन मीडिया कहता हूँ क्योंकि ये थर्ड मीडिया है, एक गोदी मीडिया है, आप वो देख जो इनकी गोद में बैठा हुआ है। आप देखिए लाइन से एक प्राइम टाइम 8 बजे के बाद चैनल देखिए तो एक जैसी खबरें दिखाएंगे। इन चैनलों की विश्वसनीयता, TRP आज घट चुकी है, जनता में आप जैसे चैनलों की लोकप्रियता बढ़ चुकी है। उसका एक ही कारण है कि आप सच दिखा रहे हैं और ये स्वार्थ के
बदले में दिखा रहे हैं, सरकार की बातें दिखा रहे हैं। तो अगर प्रेस सरकार की तारीफ करने लग जाती है तो आप समझिए कि लोकतंत्रवाद खत्म हो गया। तो ये दबाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के जैसे नौजवान या मीडिया ने आया है, इसके माध्यम से लोगों की, जनता की आवाज आज लोगों के प्लेटफॉर्म तक पहुंच रही है। 121 लोग शहीद हुए, यहां पर आई हुई है, 121 लोग शहीद हो गए। और जो अर्णब गोस्वामी थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया, फिर ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए अर्णब गोस्वामी तो उसके चैनल को हम में से, यहाँ आप किसी से पूछिए तो 90% 99% लोगों के जो उसके चैनल को देखते ही नहीं, उसकी बात को मानते नहीं, क्योंकि वो चैनल नहीं, वो तो सरकारी विज्ञापन लेने वाली इन्हीं का प्रवक्ता है। वो तो पहले दिन से आप उसकी खबरें देखेंगे तो वो सरकार का प्रवक्ता जैसे होता है वैसे बोल रहा है। तो उसकी बात को आज आप देखिए, जो प्रधानमंत्री के अधिकारी भी हैं कार्यालय के भी, उनके भी घरों में NDTV देखा जाता है, उनके घरों में सोशल मीडिया देखा जाता है। लेकिन नंबर वन तो है ना चैनल, वो तो कहते हैं कि नंबर नहीं, वो उनकी स्कैम है ना, वो स्कैम TRP स्कैम खुल तो रहा है ना, वो कैसे नंबर वन बना है, कैसे लाइक कराए जा रहे हैं। तो वो उनको तो यहाँ आप देखिए, वो 2-3 बार यहाँ आए, लोगों ने भगा दिया, तो उनकी कोई विशेष सुनियत नहीं है। जब तक सरकार है तब तक उनका चैनल चल रहा है, जैसे ही सरकार बदलेगी वो चैनल भी उनका बंद हो जाएगा। चैट में PMO से भी दखलंदाजी का उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी जो पैठ है वो PMO में भी कितनी बड़ी है। देखिए ये बड़ी इस देश के लिए बड़ी खतरनाक बात है कि एक चैनल का संवाददाता अपनी चैट में ये कहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, कि कुछ बड़ा होने वाला है पुलवामा में, कश्मीर में, पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला स्ट्राइक से। तो इसका मतलब है कि ये उन अधिकारियों से, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो अधिकारी हैं उनसे मिले हुए हैं, और ये एक देश के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। जब ऐसे लोगों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पता होंगे तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बालाकोट का मामला हो, 370 का मामला हो, अर्णब गोस्वामी को पहले से ही पता था, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए कि सरकार का राइट हैंड या बिल्कुल सरकार ही वही चला रहे हैं। देखिए सरकार का तो इसका, इनका चैनल देखने के बाद आपको पता लग जाएगा ये सरकारी चैनल है, लेकिन ये जो चैट अब आ गई है तो अब किसी सबूत की जरूरत नहीं रही। इस पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इस व्यक्ति पे, इन लोगों पे ट्रायल होना चाहिए, और जिन लोगों से इनको सूचना मिल रही है उन पे भी ट्रायल होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सरकार अपना कार्यकाल अगर पूरा कर लेती है तो इसके बाद जो भी सरकार आएगी इन लोगों को मुकदमे चलेंगे और ये लोग जेल में जाएंगे। क्या लगता है अब शिकंजे में आ जाएंगे अर्णब गोस्वामी? शिकंजे में तो देखिए आया हुआ है, शिकंजे में आने के लिए अब सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि केंद्र में सरकार इनकी है, इनके लोग ED CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस सरकार के कार्यकाल को ये निकाल जाए। लेकिन भारत में एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है और हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं, इन लोगों को देशद्रोह के मुकदमे लगेंगे और हो सकता है इन लोगों को फांसी हो। कल BJP के प्रवक्ता एक चैनल पर ये कह रहे थे कि किसानों को हम घुसने नहीं देंगे, इनकी मंशा ठीक नहीं है, 26 जनवरी पे एक दिल्ली में नहीं घुस पाएंगे किसान। देखिए ये आप इनकी बात को कुछ समझिए मत, ये सरकार 2-3 लोग चला रहे हैं पूरी सरकार को, और इन 2-3 लोगों की 15 दिन की बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे ना तो वो डाउन है, अंदर से ये लोग डरे हुए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26 जनवरी से पहले पहले ये बैकफुट पे होंगे, सरेंडर करेंगे, और इस आंदोलन को ख़त्म करने का एक ही रास्ता इनके पास है कि तीनों काले कानून वापस लिया जी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से प्रवक्ता कह रहे थे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस को आगे करने की? देखिए पुलिस यहाँ खड़ी है हजारों की संख्या में, पुलिस वाले कौन है? वो किसान के बेटे ही तो है, आम आदमी के तो बेटे हैं ना। आप देखिए हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, पुलिस ने मना कर दिया अपने लोगों के खिलाफ, और पुलिस के छोड़िए आर्मी में जो जवान बैठा वो भी तो इन्हीं का बेटा है। तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे कोई इनको, क्योंकि सब लोग ये जान चुके इस देश के कि किसानों के साथ गलत कर रहे हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर पे, 2 डिग्री तापमान पे वो लोग वहाँ बैठे हैं और ये लोग हीटर चला के अपने घरों में रह रहे हैं। तो आज ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी सच्चाई पूरे देश को पता लग चुकी है। इनके पास अपना मुंह बचाने के लिए, अपनी साख बचाने का एक ही रास्ता है, तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। भैया ये 52 दिन का आंदोलन हो चुका है किसान आंदोलन, लेकिन अभी तक भी सरकार का कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार तक नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि ये कानून वापस भी हो सकते हैं। देखिए जो तानाशाही की सरकारें होती हैं ना वो इसी तरह काम करती हैं, वो जिद पे रहती हैं, अड़ी रहती हैं, वो सोचती हैं दूसरे आंदोलन को थोड़ा लंबा खींच लो, लोगों को थका लो, उनको बदनाम कर दो, लेकिन वो सारे हथकंडे इस आंदोलन में अपने आजमा चुके हैं। और आज नतीजा ये कि दिन पे दिन ये आंदोलन मल्टीप्लाई होता जा रहा है, लोग इसमें आज बहुजन समाज के 25 जिलों के लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, बाबा साहब की और धमकी वो लेके भंते लोग यहाँ आ गए हैं। तो ये तो जितना ये इसको डिले करेंगे उतना इन लोगों के लिए दिक्कत हो।
क्या लग रहा है कि अब जितने भी शोषित लोग थे सरकार के, पीड़ित शोषित लोग थे, वो सब इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस दुनिया में और भारत देश में दो ही विचारधाराएं हैं, एक शासकों की विचारधारा है, एक शोषितों की विचारधारा है। और जो आज ये सरकार है ये पूंजीपति और शासकों की विचारधारा को आगे कर रही है। 300% अडानी की इनकम कैसे बढ़ गई लॉकडाउन में आप बताइए। तो आज किसान जाग चुका है, नौजवान जान चुका है, व्यापारी जान चुका है, इनके ये हथकंडे ज़्यादा चलेंगे नहीं। और इस देश का बहुजन जो 125 करोड़ में 115 करोड़ है वो जाग चुका है। तो या तो इनको ये वापस लेना होगा वरना ये परिवर्तन।